धमतरी पुलिस ने धमतरी राजनांदगांव दुर्ग बेमेतरा और बालोद में ट्रैक्टर चोरी कर बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया है। यह गिरोह नकली पेपर के माध्यम से चोरी के ट्रैक्टर को दूसरे राज्यों में भी बेच देता था। रायपुर आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया है कि पिछले कुछ दिनों पहले कुरुत में एक ट्रैक्टर इंजन और ट्रॉली चोरी हुई थी। इसके बारे में गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो दो व्यक्ति इस ट्रैक्टर को ले जाते पाए गए। साथ में एक ऑल्टो कार भी थी जो कुरुत भखारा रानी तराई जामगांव होकर दुर्ग गई। ऑल्टो कार के बारे में जब पता किया गया तो सामने आया कि यह कार बालोद के टेमेंद्र उर्फ गोलू चंद्राकर की है। पुलिस का कहना है कि जब गोलू और उसके 9 अन्य साथियों को पकड़कर पूछताछ की गई तो सामने आया कि ये सभी ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदी बिक्री का काम करते थे, जिसमें नुकसान होने के कारण ये चोरी करने लगे। धमतरी पुलिस ने सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। धमतरी जिले में कुछ दिन पहले एक ट्रैक्टर और ट्रॉली की रिपोर्ट दर्ज की गई थी थाना कुरुत में, और उसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य धमतरी पुलिस को मिले थे। एसपी धमतरी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए गंभीरता से इसकी विवेचना के लिए टीमें बनाई और उसमें सीसीटीवी फुटेज जो मिले उनका उपयोग किया, जो टेक्निकल इंट मिला उसका उपयोग किया, और उसके आधार पे ये एक इस घटना को अंजाम देने वाले जो अपराधी है उस तक पहुँचे, और उससे पूछताछ में फिर ये पता लगा कि इसमें काफ़ी बड़ा एक गैंग सक्रिय है, जो कि केवल जिसने धमतरी में नहीं बल्कि पूर्व के कई वर्षों में राज्य के कई अन्य जिलों में भी ट्रैक्टर व ट्रॉली की चोरियां की हैं, और इनसे पूछताछ में डिटेल लिया गया और डिटेल के आधार पर जहां जहां पर इनको डिस्पोज किया गया इस चोरी की गई सामग्री को, उनका सीजर किया गया। For more information, log on to www.clips.in.